ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा है इंडिया गेट का, काफ़ी भीड़ लग रही है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। फिर से हम आए हैं आज दिल्ली में, कई बार आ चुके हैं हम दिल्ली, आज फिर से हम आए हैं। तो आज हम आपको घुमाने वाले हैं इंडिया गेट। तो बाकी बने रहिए हमारे ब्लॉग में हमारे साथ, चलिए दिखाते हैं हम आपको आज इंडिया गेट के बारे में, बताते हैं कुछ उसके इतिहास के बारे में, बताते हैं भाई किसने बनवाया, क्यों बनवाया, किस लिए बना था ये इंडिया गेट। तो सारी आज आपको फुल जानकारी देंगे हम। अगर आप इंडिया गेट आना चाहते हैं तो आपको मेट्रो स्टेशन से, मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आना पड़ेगा केंद्रीय सचिवालय, और गेट नंबर 3 से निकलेंगे आप। तो समझ लीजिए कि वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है, आप अगर चाहें तो ऑटो भी ले सकते हैं या फिर आप पैदल जो है मौसम का मज़ा लेते हुए जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है वैसे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में, दिखाते हैं आज आपको हम नज़ारा इंडिया गेट का। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट के पास में, और अब जो है काफ़ी मतलब कुछ दूरी पर ही जो है इंडिया गेट रह गया हमारे, बस एक रोड क्रॉस और करना है और इंडिया गेट तक हम पहुंच जाएंगे। अगर आप कभी यहां पर घूमने आते हैं तो इंडिया गेट के दोनों तरफ आप देखेंगे तो पार्क बना हुआ है, और पार्क से उधर साइड में थोड़ा और जाकर दोनों तरफ जो है नहर बनी हुई है, काफ़ी अच्छा नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा लगता है। और शाम को टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं क्योंकि शाम का व्यू जो है इंडिया गेट का बहुत ही अच्छा और शानदार होता है देखने के लिए। अगर मैं इंडिया गेट की बात करूं तो इंडिया गेट को जो है ब्रिटिश शासन में बनवाया गया था, और ब्रिटिश शासन में भी इसलिए बनवाया गया था कि उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध और जो अफगान युद्ध हुआ था उस समय, तो जो अपने इंडिया के सैनिक जो उसमें शहीद हुए थे तो उनके शहीद स्मारक के तौर पर इसको बनवाया गया था। एक तरह से इसको जो है उनकी शहीदों की कब्र कहा जा सकता है। इस पर कई हज़ार नाम इसमें जो शहीद हुए हैं इसमें लिखे हुए हैं इसके इंडिया गेट के ऊपर, आप कभी भी गौर से अगर देखेंगे इसको आकर तो कई हज़ार नाम इसमें लिखे हुए हैं, करीब 17,000 नामों से ऊपर से लिखा हुआ है। ये देखिए काफ़ी करीब में जो है मैं आ चुका हूँ इंडिया गेट के, और ये कर्तव्य पथ है जिस पर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। और आपको मैंने बता चुका हूँ मैं क्या ब्रिटिश काल के टाइम में जो है इसका किंग्स वे के नाम से जो इस पथ का नाम था, फिर जो है राजपथ इसका नाम पड़ा, अब कर्तव्य पथ है। देख सकते हैं आप मेरे काफ़ी कितनी भीड़ है मेरे पीछे, और काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और आप देखिए ये है इंडिया गेट और उधर भी काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं। काफ़ी थक चुके हैं हम क्योंकि करीब 3 किलोमीटर हम पैदल चलकर आए हैं, और 3 किलोमीटर हालत ख़राब हो गई, पानी की बोतल ली, पानी पिया, थोड़ा आराम करा 2-4 मिनट, फिर जाकर जो है हम आगे बढ़े हैं और हम इसके अभी और करीब जाने वाले हैं। चलिए दिखाते हैं हम आपको यहाँ का और नज़ारा, बेहतरीन नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, और आप कभी अगर यहाँ घूमने के लिए फैमिली के साथ आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से इंडिया गेट का नज़ारा। देखिए चलते हैं इसके करीब में, और काफ़ी छोटे छोटे अक्षरों में इसके ऊपर लिखा हुआ है, और जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने देश के लिए आहुति दी, जो शहीद हो गए उनके नाम लिखे हुए हैं इसमें, काफ़ी छोटे छोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं, शायद आपको नज़र नहीं आए, और मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए कुछ आपको दिखाई दे रहे होंगे अक्षर, काफ़ी मतलब काफ़ी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, आपको थोड़ा बहुत तो नज़र आ रहा होगा,
ये हमारे जो है शहीदों की जो है नाम लिखे हुए हैं इस पर, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी। तो ये इस स्मारक पर उसके नाम लिखे हुए, करीब 17,000 से भी ज़्यादा नाम लिखे हुए हैं इसके ऊपर, और आप देख सकते हैं ये जूम करके मैंने आपको दिखाया है। और इससे अंदर को जो है हमारी एंट्री नहीं हो सकती। ये जो एंट्री जो लगा हुआ, काफ़ी देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। फुलवाड़ी भी कितनी बेहतरीन लग रही है, कितने शानदार फूल लग रहे हैं। तो और बाकी मैं उधर से घूम कर दिखाता हूँ आपको। चलिए बने रहिए, आपको दिखाते हैं थोड़ा उधर की साइड से भी दिखाते हैं इसका नज़ारा, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। और क्या कहूँ मैं इसमें, क्योंकि शहीदों का स्मारक बना हुआ है ये, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा कह ही नहीं सकते। बाकी अगर आप घूमने आते हैं तो घूमने का व्यू बहुत शानदार है, और शाम के टाइम में आते हैं तो और भी बेहतरीन है। चारों तरफ इसके फुलवाड़ी है, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, फ़ोटो शूट बहुत शानदार है, बहुत ही बढ़िया मतलब फ़ोटो शूट यहाँ पे हो सकता है। अगर आपको फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक है और घूमने का बहुत शौक है फैमिली के साथ, तो आप आ सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। बस मंडे के दिन शायद बंद रहता है या खुला रहता है, इस बात का मुझे नहीं पता। बाकी तो सारे हिस्टोरिकल प्लेसेज जो है सब मंडे के दिन बंद रहते हैं। बाकी देखिए ये देखिए मेरे पीछे, ये आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार मतलब नज़ारा है, काफ़ी अच्छा व्यू है। और आप देख सकते हैं ये जवान हमारे अंदर सेफ्टी के लिए हैं, ये देखिए। और काफ़ी मतलब फुलवाड़ी है, काफ़ी बेहतरीन। अभी थोड़ा शाम का वक्त और होने दीजिए, अभी अच्छा लगा। इधर भी देखिए नाम लिखे हुए हैं, इसके अंदर से भी नाम लिखे हुए हैं पत्थर पे। तो चलिए बाकी और मैं आगे कुछ दिखाता हूँ आपको। झरना कितना अच्छा लग रहा है, लाइटिंग अब थोड़ा तो शाम का टाइम हो गया, और आप लाइटिंग देख सकते हैं कितनी बेहतरीन लग रहा है। और उधर आप देख रहे हैं कोई प्रोग्राम चल रहा है, वहीं पर हम जाने वाले हैं। और कितना शानदार नज़ारा लग रहा है नाइट का, और काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा है। ये आप फिर पीछे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, और क्या कहते हैं यहाँ पर जो है, अभी मैंने आपको दिखाया होगा एक नृत्य चल रहा था, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है यहाँ पर चलती रहती हैं। और काफ़ी अच्छा मतलब व्यू लग रहा था, काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा था। तो आप देख सकते हैं, अगर आप कभी भी यहाँ आते हैं इंडिया गेट, तो मेरी राय या सजेशन मेरा एक ही है कि आप जो है शाम के टाइम ही आएँ, क्योंकि शाम के टाइम का ही यहाँ का नज़ारा बहुत बेहतरीन होता है। आप देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है, और बहुत ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर नज़ारा है शाम का। और भीड़ भी काफ़ी मिलेगी, और काफ़ी अच्छा लगता है कि फैमिली के साथ अगर आप आए तो और भी अच्छी बात है। गाइज़ मैं यहीं पर अपने ब्लॉग को एंड करता हूं, और अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप जो है मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अभी तक मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।